नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। इमेजिन करिए कि कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जिससे बार बार रसोई गैस सिलेंडर भरवाने की झंझट से आजादी मिल जाए, तो कितना अच्छा होगा ना, वो भी साल के 12 महीने और दिन के 24 घंटे उपलब्ध हो। आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि जल्द ही आपको खाना बनाने के लिए एक ऐसा चूल्हा मिलने वाला है जिसके लिए रसोई गैस सिलेंडर या लकड़ी की जरूरत ही नहीं होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वदेशी सोलर कुक सूर्य नूतन विकसित किया है। घर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले इस चूल्हे की खास बात है कि इसे रात में भी प्रयोग किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सूर्य नूतन चूल्हा घर के अंदर रहेगा जबकि बाहर सोलर पैनल लगा रहेगा। इसमें एक केबल लगी होगी जिसे छत पर लगी हुई सोलर प्लेट से जोड़ा जाएगा। अब सोलर प्लेट से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो केबल के जरिए चूल्हे तक पहुंचेगी, जिससे सूर्य नूतन ऊर्जा प्राप्त करेगा। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में थर्मल बैटरी लगी होगी जिसमें सोलर एनर्जी स्टोर होती रहेगी। इसे बिना धूप के समय और रात में भी प्रयोग किया जा सकेगा। सूर्य नूतन के जरिए 4 लोगों के परिवार के लिए एक दिन का पूरा भोजन यानी कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना आसानी से बनाया जा सकेगा। सूर्य नूतन सौर्य कुक से अलग है क्योंकि सौर्य कुक को धूप में रखकर चार्ज करना होता है। अब जानते हैं कि आखिर इसका निर्माण किसने किया। सूर्य नूतन को इंडियन ऑयल के रिसर्च एवं डेवलपमेंट केंद्र फरीदाबाद द्वारा डिजाइन किया और विकसित किया गया है, जो कि एक पेटेंट उत्पाद है। सूर्य नूतन का उपयोग सभी मौसमों और ऋतुओं में किया जा सकेगा। जब सूर्य लंबे समय तक या लगातार उपलब्ध नहीं रहता है, जैसे मानसून और अत्यधिक सर्दी में, मिली सूचना के मुताबिक अभी सूर्य नूतन का आरंभिक मंडल पेश किया गया है और जल्द ही इसका कॉमर्शियल मॉडल लॉन्च होगा। प्रारंभ में बेसलाइन के लिए इसकी लागत 18,000 रुपए और शीर्ष मॉडल के लिए 30,000 रुपए है। हालांकि सरकार से सब्सिडी मिलने के बाद दाम में कमी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि एक वर्ष में अगर 6 से 8 LPG सिलेंडर की खपत होती है तो सूर्य नूतन को खरीदने वाला पहले 1 से 2 वर्षों में ही इसकी लागत वसूल कर लेगा। इसे आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकारों में डिजाइन किया जा सकता है। इससे होने वाले लाभ क्या क्या है, आइए देखते हैं। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा जिससे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा खपत भी कम होगी जिससे भारत की निर्भरता अन्य देशों पर कम होगा। घरेलू ईंधन पर होने वाला खर्च कम होगा जिसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।